छोटी की समान हमें गवाही के रूप में यहाँ लेकर आए सभी कार्य आपकी इच्छा के अनुसार भी चलती है आप उसे हमसे चाहते हैं अभी हम बातें करने के लिए आए हैं आपकी वचनों को बोलने आए हैं योग्य नहीं है तो हम जानते हैं हमें छुपा कर आप ही बातें कीजिए हमारे गाँव को तसली हमें दीजिए हमारे बोझ हटा दीजिए हमारे अंदर आज्ञा पालन होना चाहिए समाधान प्रभु आपका नाम एक नाम है शांति कराना समाधान हमारे अंदर आज्ञा पालन नहाने दीजिए समाधान सभी कार्यों में आप शांति देने वाला प्रभु उसे उठाने के लिए वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह कीजिए आत्मा के हाथों में सौंपते हैं यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से बधाई मैं कैसे बातें करूँ कर सोचने लगी क्योंकि मैं जो लिखी थी उस चिट्ठी को कहाँ तो घुमा दिया अब इन समझिया तो मुझसे बातें करने नहीं होगा नहीं कई जगह पे मैं उसके उसे ढूंढी गीत ना गाते हुए उसको मैं लिख रही थी देखिए तो जो चश्मा रखी थी उसके अंदर ही उसकी बगल में परमेश्वर मैंने क्या गुनाह किया लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे कैसे बातें कर रहे हैं आप सभी को प्रार्थना के साथ इतिहास को और पवित्र शास्त्र को परमेश्वर हमारे पास लिख कर छोड़े हैं हम संसार के व्यक्ति के समान नहीं है कंडीशन अलग है हमारे जीवन नाम आफ्टर कंडीशन वास्तव हम तो परमेश्वर को पढ़ते हैं फिर भी हम उसके उसकी आज्ञा पालन नहीं करते हैं परमेश्वर के चरण में रोती थी कि मुझे भी बातें करने के लिए परमेश्वर चुना मैं अपनी जिंदगी पर जो सिखाया सीखी हूँ वो आज्ञा पालन आज हमें सोचना चाहिए कि हमें मालूम है कि मेरे पास और आपके पास आज्ञा पालन है क्या हालेलुया इस दिन में भजन संगीता 46 पहला वचन कहती है देव नमक अड़कलम बलन आपत् काल अनुकूलमान तुणियुम देखिए कितना स्ट्रॉन्ग परमेश्वर की वचन आती है हमारे सभी के लिए शरण स्थान कौन है परमेश्वर उसके बाद उनका बल विजय विजय बहन अच्छी काम करती है उनके परिवार में उनके कुटुम्ब हर एक दिन समस्याएं रहती है फिर भी अब तक परमेश्वर उन्हें चलाए उनके अभाव से चंगाई मिल सकती है ये आसान कार्य है चंगाई दे ना दे वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर लेकिन पवित्र शास्त्र में चंगाई कर लिख रखा है हमारी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में पवित्र शास्त्र में नहीं है कर नहीं है उसकी वचन कोई को बता सकते हैं क्या नहीं है कर वचन है क्या 24 घंटा हम वचन सुनते हैं दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20वां वचन அப்போ பவித்திர
शास्त्र में नहीं है, कर कर नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में कई कमियां है। इस वाचा को रख कर हमें प्रार्थना करना है। ये की वचन क्या कहते हैं? तुम्हारी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं है, यीशु मसीह जब की उनकी जनन हुई तभी स्वर्ग लोक के देवदूत क्या कहने लगे? पवित्र परमेश्वर को महिमा। देखिए पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह जब जन्म लिए तभी तीन कार्य हुआ, वो क्या क्या है? उन्नति के देवन के एनर्जी, उन्नति में रहने वाले परमेश्वर की महिमा। अब भूमि समाधान जिनके पास यीशु मसीह है वहाँ सब शांति रहेगी। वास्तव पगल कहला संगीत 46 मल सायन। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, जलंगल कुंदलित पोंगी चाहे समुद्र गर्जे और फेन उठाए, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सभी कार्य हमारे विरुद्ध में होने दीजिए, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा अध्याय चौदह वचन आकाश में परमेश्वर की महिमा, भूमि समाधान वसन उरिये। ये वचन हमारे सभी का है। महिमिया देखिए हमारी जिंदगी परमेश्वर की महिमा ही होने देगा। लेकिन हम महिमा की कमियां है, उसके लिए हमें सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है? समाधान पृथ्वी पर शांति। योहाना लिखता है, पहला योहाना 4:16 यारूडला क्रिस्त जिसके जिसके पास मसीह है मुझे भी प्रचार करने के लिए आप रखते हैं, मेरे अंदर प्रेम नहीं नहीं है। कुरिंथियों तल्लीशो के लिए पौलुस ऐसा लिखते हैं, प्रेम में ईर्ष्या नहीं है, प्रेम प्रेम घमंड नहीं करती है। पहला कुरिंथियों 13 अध्याय प्रेम के पास समस्या ही नहीं है। हालेलुया जीवन गुजार क्यों परमेश्वर अपने जीवन को त्याग दिए? देवन कभी मोरे पेरा अनंत काल के जीवन और उतना कितना प्रेम किए, उतना प्रेम किए जीवन उनकी खुद के जीवन को ही हमारे लिए त्याग दिए। मुझे और आपको जीवन को त्यागना है। दो बच्चे आने लगे और प्लेट पैसा देते, एक बच्चे को मैंने पैसा दिया और प्लेट में पड़ता है, एक बच्चे को कहा कि वो धनवान है। मैं तो दूसरा अर्थ में कहने लगी, वो लड़का कहने लगा कि मैं भिखारी, मुझे बहुत वेदना हुआ।
हमें बैंक अकाउंट कड़ पटर ना एक रूपा उसके खाते में परमेश्वर 8000 रुपया डाला है। हम तो राजाओं की घरानी है। हम तो पासवान की कार पर आ रहे थे। राजा प्ले फोन मिला वहाँ राजाओं के बच्चे फोन करने लगे। अब राजा भी प्ले गए पासवान कर रहे। तभी मैंने कहने लगा कि मेरे राजा के बच्ची हम इससे बातें करने लगा। राजा की अरमल राजा की बच्ची तो राजमहल में रहेंगी ना। राजा की राजा ना मैं कुछ भी कही नहीं। मैं वो तो राजाओं की बेटा ही है। राजाओं की बच्ची जो कोई विश्वास यार मैं और आप कौन राजाओं की घराने है। लेकिन हम कहाँ है देखिए हम कहाँ है। वह हमें महिमा के तौर पर सृष्टि किया है। आज्ञा पालन नहीं किए इसलिए आज की वचन प्रचार के वचन आज्ञा पालन है। आज्ञा की उल्लंघन करना कितने कार्य को पूरी कर दिया है। यदि हमारी जिंदगी महिमा के साथ रहना है तो हमें आज्ञा पालन अवश्य है। सेवकों के लिए अभी गिनती ही नहीं है। संबंध लेकिन सेवक और उनकी सेवकाई की रिश्ता है। संबंध मेरे और मेरे परमेश्वर के अंदर संबंध है। हमें ही परमेश्वर के पास बताना है। अभिषेक आज्ञा पालन एक अभिषेक है। सुलेमान नीति वचन में पहला अध्याय में ऐसा कहते हैं। किसे अपने वचन को बतलाएगा इन कड़ी आदर सुनवाद तपू नहीं। कई जन को परमेश्वर बताते हैं कि जो भी आप करते हैं वो गलत है। उसे सभी को छोड़कर हम मांस में है। इसके लिए मांस हमें मांस के अनुसार न चलते हुए जीवन आत्मा के अनुसार चलने के लिए वह अपने पति प्राण को त्याग कर जीवित आए हैं। यदि परमेश्वर की प्रेम हमारे अंदर उंडाले गया तो हम कैसे चलेंगे। मत्ती 5:16 ऐसा कहती है। अपने आप को जांचना है। हमारे अंदर अंधकार है कि उजियाला है। हिंदी रामायण ये तो चल रहा है। उसी प्रकार कर किसके बारे में कहते हैं। चौदह वचन ऐसा लगता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हमारे जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। देखिए परमेश्वर के वचन हमारे क्रिया करेंगे तो हम जगत के ज्योति रहेंगे। यार भी मारा के मुड़िए भी मुड़ी है। कोई भी ज्योति को डक नहीं पाएगा। अब इन वसन के आंदर पैसा विड़के कोई मरकाल इसमें परमेश्वर यो कहता है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हम किसी भी चुपने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें चुप नहीं पाएंगे। हालेलुया।
1968 में इनकी शादी हुई थी। तो कल्याण मुझे ना लगे मैं चर्च ना बोले बहुत मेरे को जब तक जबी से शादी हुआ तभी तक कलिशा में जाते थे। पेंड मीटिंग में ना कल दो महिलाओं के मंडले में भी शामिल होते थे। तो इतना दर्शन करे ये मान के वो व्यत्यास 1994 में इनकी जीवन पर भी एक अलग बनाई इनकी सुना रहे ना क्यों बताने शादी आयु रेड 68 उसे दो जोड़ते हुए 70 हो गया। वर्ष 26 तो उस साल पर 26 के उस साल पर अब आने चौपन कर उसके पहले मुझे परमेश्वर स्वप्न देने लगे ना अच्छे कलिश चरवाह कर दोनों हाथ में बड़ी दीवट मनसले अपने मैंने अपने हृदय पर रख दिया और किसी को नहीं बताई थी नाना वर्ष आरा मारा 1994 छठवा महीने पर कहने लगे कि आप पीको महिला की मंडली को चलाना है चलिया नड़ता रहते वो कहने लगे और मैं बातें करने के लिए भी लगी लेकिन महिलाएं कहने लगी ये क्या बातें करने वाली है ऐसे अपने आपस में बातें करने लगे और ऊर्य कर सुना एक सेवक भी कहने लगा कमी माझी करके वो औरत चलाती थी तभी सिर्फ 35 ही आते थे अंदर ऊर्यकार ऊर्यकार बारह माली बना अंदर उस सेवक में भी बैठी हूँ और बगल में बहन भी बैठी है जब वो सेवक में आए थे तब जवान थे मैं तो उनके ऊपर बहुत प्रेम रखी थी ना यही मच्छी ना गिल्ला मेरे सामने ही कहने लगे मेरे अनजान में नहीं कहे ना गिल्ला माँ के पास कहे कि आप नहीं है तो महिला के मंडली है ही नहीं सभी पूर्णता और जो भविष्य ज्योति और महिमा परमेश्वर की ओर से ही आती है। वो मनुष्य ऐसे कहने लगा लेकिन मैं कुछ नहीं बोली और ₹600 भरवा कुछ महीने के बाद 600 महिलाएं आने लगी हमारे कलिश्य में पोकेश माजी के समान सिर्फ 35 ही आते हैं मनिधा अभिषेक बनना मनुष्य जो भी प्रार्थना करने लगे कैसे हम चलते हैं मास में ही चलते हैं आत्मा के अनुसार हम नहीं चलते हैं एक छोटी शब्द के लिए परमेश्वर न्याय पे खड़े करेंगे अपो अंदर नाकिस बिशप चट्ट वर्ष उस दिन बिशप ऐसे आज्ञा को लेकर आए कि 6 साल के बाद कोई भी महिला के वही स्त्री महिला नहीं महिला की मंडली नहीं चला सकती है चट्ट समयों को और वातावरण को बदलने वाला परमेश्वर पास वहाँ 7 साल खत्म होते ही पासवान मुझे यहाँ बुलाए ना अपने 3 वर्ष अंगे फिर भी 3 साल उसके बाद 7 और 3 साल वहाँ ही रहने लगी हम चट्टा 3 वर्षों ना 6 वर्ष नड़ता 3 साल उसके बाद 6 साल एक ही महिला नहीं चला सकती है कर वो लेकर आए थे कानून लेकर आए थे वहाँ ही परमेश्वर मुझे 10 साल चलाने के लिए अनुग्रह किए मेरे अंदर ज्योति है लेकिन परमेश्वर मुझे चाल चलन में चलाए और स्वप्न के द्वारे मुझे चलाए इसे बोलने के लिए नहीं चल रहा लेकिन परमेश्वर ऐसा तुम जगत की ज्योति हो यार मरके वो किसी भी छुपा कोई भी छुपा नहीं सकता वहाँ बहुत झगड़ा था लेकिन कहाँ झगड़ा नहीं है वहाँ मुख्य पासवान में जाके बोलते थे लेकिन मुझे कभी भी पराजय नहीं हुआ अम्मा ऊर्य करने को नूर कुटा अब ये माँ जी
दूसरी सेविकाओं को केवल 100 रुपया दिया कर बताने लगे, लेकिन वह मैं नहीं जानती थी अंदर पीढ़ी लेकर ये सुना रही पेंडे कुटना अभी सुना रही आयता उस दिनों में जो भी पास मानती है वो बोले कि महिला की मंडली को इकट्ठा कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी किसके लिए चर्च मुड़ी बोल सुने ना तभी बोली थी कि जो भी अध्यक्ष है सभी रुको कलिशा होने के बाद वहाँ महिलाओं के लिए अध्यक्ष ट्रेजरर है सभी है परमेश्वर तभी मुझे कहने लगा कि महिला मंडली की दान तेरे हाथ में नहीं रहना चाहिए। राधा बहन नहीं आई वही वहाँ की ट्रेजरर थी सभी प्रार्थना करने लगे वहाँ क्या होती है वहाँ कंप्लेंट बताने के लिए झुंड आई और प्रार्थना भी वहाँ हो रही है। ये उज्याला है कि मैं नहीं जानती प्रार्थना खत्म हो गई पास मुझसे पूछने लगे न्याय विचार कर वो न्याय करने के लिए पर वो आए थे क्यों माजी आप सेवकों को सिर्फ केवल 100 रुपया देते हैं आपको तमिलनाडु उस दिनों में 25 और 50 ही देते थे मैं तो जगह नहीं देती थी मैं कैसी लगा आप सब जानते हैं ऐसे वो आ गए तो उन्हें 100 रुपया देते थे दानियल के समान मैं नहीं हूँ दानियल कुटपड़ता दानियल को इसे किसके ऊपर दोषी ठहराएंगे इन्हें प्रेसिडेंट के पद से निकालने की कुछ महिला को ना पसंद था आपको पे पैसे उड़ा आपको पैसे आपको क्यों माजी आप सिर्फ 100 रुपये देते हैं सेवकों के लिए व्यवसाय की बयान सीधे 100 रुपये 200 रुपये किसान जो खेती बाड़ी वो हल चलाते हैं उनको इतना ही मिलता है तो दे उड़ता है और परमेश्वर की सेवा को मैं 100 रुपया देगा तो क्या अंदर उस पासवान के लिए प्रेसिडेंट इसके लिए आपको प्रेसिडेंट दूसरा इलेक्शन हुआ वोट वोटिंग नहीं पासवान खुद कहेंगे कोई प्रश्न पूछने लगे मैंने उत्तर देने लगा इसी को भी बताने लगा अब पांग मुहांद्रम कार्य हमारे ऊपर जलन करेंगे लेकिन मैं कुछ अच्छे कार्य मेरे अंदर बहुत सभी मेरे विरुद्ध में आने लगे वही पासवान कहने लगे आप ही को महिलाओं की मंडली को चलाना है कर पासवान जाने के बाद सभी महिला जो भी ठहरे थी बताने लगे आपको बोलना चाहिए क्योंकि नहीं रहेंगी महिला में सुना इसमें जैसा कहा है पूरे संसार आपके विरुद्ध कभी आएगा वो हमारा शरण स्थान और बल है प्रेसिडेंट जो भी मेरे छावनी के व्यक्ति आते आपको इस्तीफा देकर चला चलना चाहिए परमेश्वर की इच्छा रहना है तो मनुष्य के विचार के अनुसार हमें नहीं चलना चाहिए हमारे अंदर कई अंधकार है उसे महसूस करते हुए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते समय हम परमेश्वर के समान ज्योति बन जाएंगे कितने बड़े कार्य को परमेश्वर हमारे हाथों पे सौंपे देखिए हमारे हमें देखकर परमेश्वर क्या कहते हैं आप संसार की ज्योति जगत की ज्योति कोई भी उसे छुपा नहीं सकता நம்ம சொன்னவசமா எவ்விதமாய் மனுஷர் எவ்விதமாய் நம்ம வெளிச்சமா இருக்கோமா இசி பிரகார் நம் ஜகத்க்கு ஜோதி ஹே ऐसा परमेश्वर कहता है कर एलिया कहने लगा 19वां वचन में सत्ताईस वचन एलिया की ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपने देह पर
डांट लपेट कर उपवास करने लगा। और वो टाट पहनकर और राख में बैठकर अपने आप को दीन करता है। देखिए परमेश्वर की प्रेम कैसा है। 19वां वचन में ऐसा लिखा है, आहा मेरे सामने नम्र बन गया इस कारण मैं देखा क्या। वे मेरे सामने नम्र बन गया इसके लिए। वे विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। परंतु उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। यदि वह पुत्र भी अपने आप को दीन करेगा तो वह विपत्ति पर उसके ऊपर नहीं आएगा। वो विपत्ति हमारे ऊपर न आने देना है तो हमें आज्ञा पालन करना है। पहला राजा 21:23 में येसेबेल के बारे में परमेश्वर येसेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इज़राइल के किले के पास कुत्ते येसेबेल को खा डालेगा। येसेबेल मन नहीं फिर आई। इसके ऊपर इसके पास इतने अधिकार दिया है कि एलिया की सर को निकालना कर कहती है इसमें मैं और आपको क्या सीखना है। सभी कुछ ठीक है कर मास के अनुसार हमें नहीं चलना है। हमारे अंदर परमेश्वर की परमेश्वर की विपत्ति ऐसे वेल के ऊपर आ पड़ा आहा के ऊपर नहीं आया क्योंकि वह परमेश्वर के सामने नम्र बन गया। कितने भी बड़े पाप को क्षमा करने वाले हैं। हर एक दिन हमें मन फिरना है। नीति वचन 23:27 की पहली बात ऐसे कहती है, बहुत करने लगी परस्त्री मिड़कमान किणर लेकिन पराई स्त्री सफेद कुए के समान है। वो मन नहीं फिरा इसलिए श्राप उस पर हाथ पड़ी। इन दिनों में हम कई कार्य में डग महा है। यदि हम मन फिरा फिर कर उनके पास आएंगे उनकी आज्ञा पालन करते समय वो शांति की मार्ग हमें देता है। समाधान प्रभु वो शांति की राजकुमार है। हमें ईर करके समाधान हमारे जहां जहाँ टहलते हैं वहाँ किसी एक दिन भी शांति के दिन नहीं रहेगा। हमारे अंदर आगे पालन और परमेश्वर की दया होगी तो हमारी संतान आशीष दायक होगी। सारा पट्टी सराय के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहती है वो आज्ञा पालन स्त्री करके कहती है। पहला पत्रस 3:6 में पत्रस ऐसा लिखते हैं, पहला पत्रस 3:9 क्या कहते हैं कि आपके अच्छे कार्य सभी के साथ प्रकाशित होना है। अम्मा
देखिए इस सारा माझी अब्राहम को स्वामी कहकर उनकी आधीन रही और भलाई करी इनकी आज्ञा पालन के बारे में इब्रानियों 11:11 में कहती कहा है विश्वास विश्वास के बारे में कहा है देखिए उनका उम्र तब क्या कहता जब बच्ची जनी दोनों वैसे 90 क्योंकि अब्राहम से 10 साल उनका कम था विश्वास आज्ञा को पालन किया विश्वास के साथ रहे थे विश्वास के साथ सारा ने अपने बुढ़ापे भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई नम आंदवर नमक अडकलमु बेलनु आपत्त कालक्के देखिए हमारे परमेश्वर हमारी शरण स्थान और संकट के समय में सहायक और बल हालेलुया आंदोर देखिए इतना प्रेमी परमेश्वर को रखते हुए नम यादारिशास निकाल खाओ कर शैतान घूम फिर रहा है कई प्रचारक ऐसे कहते हैं पिशाच शैतान क्या कहता है शैतान ऐसा कहता है कि उन लोग की और मेरे ऊपर नाम लेते हैं पिशाच नमक चाहिए शैतान हमारे अंदर नहीं कर सकता लेकिन हमें शैतान के नाम लेने के लिए हमारे पास कारण नहीं है हमारी सोच में वो बातें करने लगा करेगा लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहती है हम विजयी है कर हमारे लिए क्या नहीं है परमेश्वर मुझे स्वप्न में कहने लगे तू बातें कर हम सब कौन जय विजयी है हमारे पराजय नहीं है पराजय वो दिखेगी लेकिन वो पराजय नहीं है हम ही पराजय को उत्पन्न करते हैं देखिए सारा कैसे थी अपने पति को स्वामी कर कहती है नीट करेंगे तो ना कॉ बोलते मैं अपने पति के पास गुस्सा करती हूँ बिजनेस मैन और 4000 रूपये पावड़े पाई तो 4000 रूपये पाई तारा देखिए कितना धनी और कितना अच्छा गंदा किया है 4000 को मेरे इंस्कर्ट मेरे गागरा में रख कर दिए थे हम व्यापारी पोटन पोटन चिल्लर पैसा बोलते जब वो धंधा करते थे पूरे गटरी गटरी में लेके चिल्लर लेके जाते थे उसे एक महिला देखती रही और उसे उठाकर भी लेकर गई 4000 रूपये पाई नीचे 4000 को गागरा में सिला कर दिए थे सोते समय यहाँ वहाँ में घूमती हूँ वो किधर भी गिर गया गाँव में जाकर देखने लगे तो 4000 नहीं देखिए कितना 1000 में लेकर आए थे और जो बोले करके भी सुन लगे यदि मैं अच्छे कार्य के लिए नहीं सुनती हूँ क्या मुझे नहीं मालूम देखिए सारा मांझी को देखिए परमेश्वर की बात को नहीं सुनती अजीरा को बेचते हैं आहार कोड़मा पड़ता वो अजीरा को तकलीफ देती है आहार लेकिन परमेश्वर क्या कहने लगे सारा ही नाली में पेटी सारा की गुलाम अजीरा கடவுக்கு பயந்து நடந்து ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற நன்மையும் கீழ்படுதலும் விசுவாசம் இருக்கும்போது தானா கூட சேர்ந்தாங்க ஆண்டவர் தேக்கி பரமேஸ்வர் கி ஆக்யா பாலன் அவர் ஆதீன் ரெத்தி சமய பரமேஸ்வர் சாரா கி பாத் மே ஆ ஜாத்தே ஹே பச்சபாவே இல்லாதவர் பப்பஷபாத் நஹி கர்னே வாலா பரமேஸ்வர் கச்சு கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருந்தது லேகின் ஆஜி ஆக்கு பஹத் சீக்னா தா அதனால ஆகார பார்த்து साराइन अड़ी पड़ी नहीं आने के लिए इसके लिए अजीरा को देखकर कहने लगे कि ये सारा की गुलाम
उसके अधीन रहना अडंगी इसी समान मुझे और आपको बहुत ही कार्य में अधीन रहना है यदि हमें ना पसंद है और उसी जांच कर में और आप संगति में जगड़ना नहीं चाहिए हमारे हमारे तौर पर जगड़ना नहीं चाहिए अब्राहम एक बार अब्राहम में कहने के पास कहने लगी इस औरत और उसकी बेटी को अलग कर दीजिए देखिए परमेश्वर क्या कहने लगे जो सारा कहती है उसके आज्ञा पालन करो वसन यदि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे और उनके व्यय मानेंगे तो जहाँ जहाँ हम चाहेंगे वहाँ सब आशीष सेवकाई करना अहम नहीं है खुद के घर पर गवाही होना चाहिए बगल में गवाही होना चाहिए कलीसिया में गवाह गवाह मतलब हमारी चाल चले हमसे ना नहीं होता उसी के बारे में नहीं करते जो भी हमसे होता है उसी कार्य में विजय होना है सारा के बारे में तेरे घर के लिए वो रानी नहीं है अब्राहम अब तेरा पति साराई नहीं है वो तेरा केवल सिर्फ परिवार की रानी है वह सारा पूरे संसार की रानी है देखिए हमारे लिए पवित्र शास्त्र में क्या आशीष है यदि तुम आज्ञा पालन कर भलाई कार्य करोगे किसकी संतान सारा की संतान तो हम सब संसार की रानियां है उसे न उठाते हुए अपने खुद पर में जाएंगे तो हम महिमा नहीं पाएंगे प्रभु पारो प्रभु अड़क उतनी उम्र घटने के बाद भी अमलेख और कई पतिलोन की राजाई उसकी समान सुंदरता में कौन नहीं कर बताने हमारे पास कितनी भी विपत्ति आने दीजिए लेकिन वह हमारी शरण स्थान है फिर पूरी दया पाकर कई खजाना उसको देते हैं अब्राहम के मने में पाग उन्हें बाधित किया है अब्राहम की पत्नी रहकर विपत्ति फिर के ऊपर आता है फिर उसे जान लेता है और उसे बेच देता है क्योंकि इनको कुछ भी मत करना अभी मले की प्रभु भी सारा के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं अभी मले अभी मले सपने के द्वारा जान लेता है नमक हमारे लिए सब लिख कर छोड़ा है भूमि नारा ऐसी यदि पृथ्वी डग मंगा है इसमें डल दिया जाए परमेश्वर की बल हमारे अंदर है उसे कोना नहीं सारा मुझे राजा देखिए सारों को कुछ करने हुआ क्या उस राजा राजा के ना सही मुझे राजा सब कुछ कर सकता था लेकिन परमेश्वर हमारी याद में है लगातार परमेश्वर हमारी सोच में ही है अभी पृथ्वी कैसे भी डगमगाने दीजिए हमारे परमेश्वर सारों को किसी चूने के लिए हुआ क्या सारा मैं और आप सारा की संतान है रानी है हम सब रानियां है इस जगह को हमें नहीं छोड़ना है उसके लिए आज्ञा पालन अवश्य है आदि अवश्य है और संगति चाहिए देवोरा मां जी को देखिए सारा पति नारी है उनके बारे में कई कार्य है मैं अपने मन में सोचने लगी परमेश्वर मेरे बारे में कुछ गवाही में नहीं बोलना चाहती है देवोरा पक्षी
देबोरा के बारे में लिखा है कि वो एक माता है हम अपने देश के ताई कुटुंब के लिए केवल अपने परिवार के लिए नहीं पूरे देश के लिए वो माता थी और राज माता थी यहाँ प्यार मेरे वो अपने परिवार में कैसी रहती है और उसके पति की नाम आती है लवी तोपिन पत्नी हमें याद कौन न्यायाधिपति चौथा न्यायाधीश थी वो एक भविष्यवाणी थी राजा में क्रीड़ा पड़ना राजा उसकी डाटस बांधने वाली थी पराक्रम के ऊपर मुझे राजता मिलाकर वो पढ़ी लिखी थी और वो गीत भी गाती है गीत गाती है जाग उठ देबोरा जाग उठ नी ताया ग्राम माता बनकर नहीं खड़ी थी देबोरा मैं और आप देबोराल है यार तो हमारी जगह को हमें किसी को स्थान को नहीं देना चाहिए उसके लिए मुझे और आपको आदीन रहना